हेलो फ्रेंड्स, गीताज किचन में आपका स्वागत है। रोज रात को या दिन में जब हम खाना बनाते हैं तो चपाती या चावल हमेशा बच जाता है। चावल हम गर्म करके खा ही लेते हैं, पर चपाती जो है हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। बासी रोटी है, कौन खाएगा। पर डोंट वरी, हम आपको बची हुई इन रोटी से अच्छी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाना सिखाएंगे, जो खाने में हेल्दी, टेस्टी और फटाफट बनने वाली है। ज्यादातर ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे टिफिन में भी दे सकती हैं। ये थोड़ा नूडल्स की तरह दिखती है, तो आप इसे नूडल्स भी कह सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बची हुई रोटी से बनी ये टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दो रोटी, नमक, टोमेटो केचप, रिफाइंड ऑयल, लाल और पीली या ग्रीन कैप्सिकम या शिमला मिर्च लंबी कटी हुई, बारीक कटी हुई, लंबा कटा हुआ प्याज एक मीडियम साइज का, एक मीडियम साइज का टमाटर लंबा कटा हुआ, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़े से कॉर्न, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक और लंबी कटी हुई कैबेज या बंद गोभी और सोया सॉस दो चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस जला के हम दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। गरम होने पे हम इसमें लहसुन डालेंगे। दो या तीन बारीक कटी हुई कलियां या फिर इसकी पेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद आपने डालने हैं प्याज। प्याज को हमने ज्यादा भूनना नहीं है, इसको लाइट ब्राउन से पहले ही हमने इसमें सब्जी डालनी शुरू कर देंगे। प्याज कच्चे कच्चे दिखे तो ज्यादा अच्छे लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। एक मिनट प्याज भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। एक मिनट के लिए हम इसे भी भूनेंगे। और भी मनपसंद वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं इसमें, मटर भी डाल सकते हैं, बारीक लंबी कटी गाजर भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम जो अब मीडियम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने बाद में इसलिए डाले क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। सारी वेजिटेबल्स को हमने थोड़ा कच्चा ही रखती है। करीबन एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें कैबेज डालेंगे। गैस को थोड़ा कम कर लेंगे और करीबन एक मिनट तक इसको हम पकने देंगे। उतनी देर में हम रोटी को काटेंगे ऐसे चार हिस्सों में। एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसको पीसेस में काट लेंगे ऐसे। इस तरह से हमने रोटी के लंबे लंबे टुकड़े कर लिए। करीबन एक मिनट पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च आधा चम्मच।
और हम कॉर्न डालेंगे। सोया सॉस 2 चम्मच, टोमेटो केचप 2 चम्मच, अच्छी तरह से हिला के अब इसमें हम रोटी डालेंगे। अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से हिला के करीबन 1 मिनट के बाद हम इसको प्लेट में डालेंगे। तो देखिए हमारी बची हुई रोटी की नूडल्स तैयार है। फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी हेल्दी लेफ्ट ओवर चपाती नूडल ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। तो देखा आपने दिखने में कितना कलरफुल है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और अगर आप इसको और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं ऐसे, और हम धनिया भी डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए।